हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली ग्रेटेड मैंगो पिकल, इसे आम का लच्छेदार अचार या खिसा हुआ आम का अचार भी कहते हैं। इसके लिए मैंने लिया खट्टे आम, ये 1 किलो है, सरसों तेल है, और उसके बाद मैंने यूज़ किया है नमक, हल्दी, लहसुन, मिर्च पाउडर, जीरा, कलौंजी, सौंफ, हल्दी, पीली सरसों, मेथी। इसमें बहुत कम स्पाइस लगता है। मेथी, जीरा, ये दोनों ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। मैंने आम को पहले धो लिया था, धो के इसको थोड़ी देर धूप में रखा था। अब मैं इसका छिलका उतार रही हूँ। ये खट्टे वाले अचार के आम हैं। मैंने अचार के लिए एक साथ काफ़ी सारे आम खरीदे थे, उसी में से मैंने 1 किलो अलग किए हैं। इसमें ज़्यादा गुदा वाला भी आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट खट्टे वाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने सारे आम को इस तरीके से छिल लिया है, छिल के मैं इसको खींच रही हूँ। यहाँ पे मैं हाथ से खींच रही हूँ। आप चाहो तो फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हो, बट जो भी यूज़ करोगे वो एकदम क्लीन और ड्राई होना चाहिए, गीली चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने 1 किलो आम को खींच लिया है। ये खट्टे वाले आम है इसलिए इसका काफ़ी कम गुदा निकला है, जिसमें गुदा ज़्यादा रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मैंने इसमें नमक डाला है, अब हल्दी डाल रही हूँ। नमक और हल्दी डाल के मैं इसे मिक्स करूँगी। अचार में नमक सफिशियंट होना चाहिए, अगर नमक कम रहा तो अचार ख़राब हो जाता है। अभी मैंने थोड़ा ही नमक डाला है, बाकी का नमक मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं रखूँगी धूप में 24 घंटे के लिए। ये मिक्स हो गया, जैसे ये मिक्स होगा इसमें हल्का सा पानी निकलेगा, वो पानी को हमको अच्छे से सुखाना है। अगर वो पानी रहेगा तो अचार ख़राब होगा। इस अचार को आप 1 साल तक भी रख सकते हैं, बट आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अचार हम लोग जिसमें भी बनाएंगे, जो भी बर्तन में, वो एकदम साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए। जो भी स्पून यूज़ करेंगे वो भी एकदम साफ़ सुथरा सूखा होना चाहिए। मैंने सारे बर्तन को अच्छे से धो के धूप में रखा था, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको धूप में रखी हुई, 24 घंटे बाद आप देख सकते हैं आम का काफ़ी ज़्यादा पानी सूख चुका है, ये ड्राई हो गया है। ये अचार बनाने के लिए अभी रेडी है। अब मैं सरसों तेल गरम कर रही हूँ 1/4 कप। इसमें कंपलसरी नहीं है कि 1/4 कप ही आपको लेना। आप अचार में उतना तेल ऐड करना जितना कि अचार अच्छे से डूब न जाए। अगर अचार में तेल कम रहेगा तो अचार ख़राब होने की संभावना रहेगी। जब तक कि हमारा तेल गर्म होता है, हम लोग आगे का प्रोसीजर करते हैं। मैंने आधी स्पून कलौंजी, आधी स्पून सौंफ, 1 स्पून पीली सरसों और नमक डाला है, मैंने पहले भी डाला था। फिर मैंने हींग डाला है और उसके बाद मैं मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये मिर्च पाउडर घर का है, मतलब मैंने पहले मिर्च खरीद के उसको पाउडर बनवाया स्पेशली अचार के लिए। यहाँ पे मैंने मेथी और जीरा स्किप किया है, आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ 1 पूरी लहसुन थी जिसको मैंने छील लिया था। लहसुन डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने घर का मिर्च पाउडर डालना है। अगर आप मार्केट का यूज़ करोगे तो 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालना, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। सरसों तेल को पहले बहुत अच्छे से गरम किया, गरम करके फिर ठंडा किया, उसके बाद ही मैं डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है, जैसे कि मैंने कहा अचार में हमें उतना ही तेल डालना है जितना कि अचार डूबे नहीं। अगर तेल कम होगा तो अचार ख़राब होगा। मैंने पहले थोड़ा सा तेल डाला है, अब मैं बाकी का तेल डाल रही हूँ। बाकी का तेल डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप एक बार नमक और तेल चेक कर लेना, अगर नमक कम है तो मिक्स कर लेना, तेल भी थोड़ा सा कम लग रहा है तो और थोड़ा सा तेल गरम करके ठंडा करके आप इसमें मिक्स करना। अब ये ऑलमोस्ट बन गया है। अब मैं इसको डालूंगी कांच के बॉटल में। कांच के बॉटल को मैंने पहले अच्छे से धो के इसको धूप में सुखाया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। या तो आप कांच या चीनी मिट्टी यूज़ करना, प्लास्टिक का मत यूज़ करना, क्योंकि प्लास्टिक अगर धूप में रखेंगे तो वो हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी मैंने इसको ग्लास के बॉटल में डाल दिया है। डाल के इसको मैं रखूँगी धूप में 1 दिन। 1 दिन धूप में रखूँगी, नेक्स्ट डे ये अचार बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी बनता है। बॉटल को अच्छे से क्लीन करके इसको धूप में रख रही हूँ 1 दिन के लिए। ये अचार बनने में कंप्लीट 3 डेज लगे हैं। ये 1 किलो आम का है और खट्टे आम का है। आप देख सकते हैं अचार में तेल सफिशियंट है, नमक भी एकदम बराबर है। बस छोटी छोटी चीज़ों का हमें सावधानी रखना है, ये अचार 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।